फैसलाबाद जमात इस्लामी की तरफ से 12 मार्च को एहतजाजी जलसा मुनक्किद करने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जमात इस्लामी के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, आए रोज अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। इस हवाले से जमात इस्लामी एहतजाजी जलसा करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, मौजूदा हुकूमत ने उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, और हम समझते हैं कि महंगाई में 50% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है, बिलों में इजाफा होता जा रहा है, तेल सा जो है वो एक महीने में 3 मरतबा जो है वो बढ़ा है, इसके अलावा जो है वो बदमनी है कि वो भी पहले से बढ़ चुकी है, और कोई ऐसा वादा और नारा जो इन्होंने किया था उस पर कामयाबी से वो आगे नहीं बढ़ सके। IMF के शिकंजे में मुल्क जो है वो दोबारा जा चुका है। तो हम समझते हैं कि जमात इस्लामी के अलावा और कोई ऐसी ताकत और कुव्वत नहीं है कि जो आवाम की सही रहनुमाई कर सके और मैदान में निकल कर आवाम को साथ लेकर इस महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमत पर प्रेशर डाल सके। और 12 मार्च को इंशाल्लाह ताला 3 बजे जुमे के बाद इंशाल्लाह एक अजीम शान धोबी घाट में हम जलसा मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें सिराजुल अक्सा तशरीफ़ ला रहे हैं और दीगर कायदीन जो है वो जमात इस्लामी के मर्जी कायदीन वो भी वहाँ पर गुफ्तगू करके आवाम को जो है वो अपने लाहे अमल के बारे में बताएंगे। ये हमारे साथ बाद साहब जिले में जमात इस्लामी, उनका कहना है कि उनका 12 मार्च का जलसा मेरे इंकलाब साबित होगा। कैमरा मैन सदाकत हाशमी के साथ मुस्तफ़ा इमरान, MM5 न्यूज़, फैसलाबाद।